पांच ऐसी गलती है जिससे कि आपका वीडियो जो है वो कभी भी वायरल नहीं होगा, जो कि आप ये पांच गलती डेली अपने वीडियो में अपने चैनल पर करते रहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको यही चीज बताने वाला हूँ जिससे कि आप ये गलती ना करें, जिससे कि आपका वीडियो जो है वो वायरल भी हो जाए। तो दोस्तों मैं आज नोटबुक में नोट कर लिया हूँ, भूल जाऊँ और मैं आपको बता ना पाऊँ, तो इसलिए मैं नोट कर लिया हूँ कि जिससे कि मैं आप लोगों को भी ये चीज़ बता सकूँ कि आप कौन कौन सी गलती करते हैं डेली के डेली। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं, तो आपको बता देते हैं कि आप कौन कौन सी गलती करते हैं। दोस्तों इससे पहले अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर दीजिए, यूट्यूब से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों गलती नंबर वन है, सबसे पहला है वीडियो डालने का समय। जो आप वीडियो अपलोड करते हो किस टाइम पर अपलोड करते हो ये चीज़ आप कभी भी नोटिस नहीं करते हो। कभी आप 5 बजे अपलोड कर दिए, कभी 6 बजे, कभी रात में, कभी सुबह, कभी शाम में, ऐसा आपको नहीं करना। आपको एक टाइम बना लेना है, आप उसी टाइम पर वीडियो जो है रेगुलर अपलोड करते रहिए। और दोस्तों जो दूसरी गलती है वो है मिक्स कंटेंट की। जैसे कि दोस्तों कुछ लोग ये चीज़ करते हैं, कभी तो कॉमेडी डाल दिए, कभी तो फैक्ट डाल दिए, कभी तो कुछ डाल दिए, कभी शॉर्ट वीडियो डाल दिए, कभी लॉन्ग डाल दिए, और कभी कभी क्या कर रहे हैं कि व्लॉग वगैरह ये सब डाल दे रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना, आपको एक नीच जिसे बोला जाता है एक कैटेगरी आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए, आप उसी कैटेगरी पर काम करते रहिए, शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, फैक्ट हो, जो भी हो आपका, तो आप उस कैटेगरी पर काम करिए, तभी आपका वीडियो जो है वायरल हो पाएगा। यूट्यूब तभी समझ पाएगा कि आपका जो वीडियो है इसी भाषा में, इसी लैंग्वेज में, इस टॉपिक में है, तभी आपकी वीडियो को वायरल कर पाएगा। अगर दोस्तों आपको नहीं पता कि हमारा जो चैनल है वो किस कैटेगरी में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा कि आपको कौन सी कैटेगरी पर वीडियो बनाना है, कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सी वीडियो आता है। और दोस्तों जो तीसरी बात है वो है आपकी आवाज़ को लेकर के, वॉइस ओवर जिसे बोलते हैं। अगर आप फैक्ट बना रहे हैं, फैक्ट का वीडियो, या फिर मान लीजिए मेरे जैसे वीडियो बना रहे हैं, तो आपको वहाँ पर बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप सही से नहीं बोल पा रहे हो, तो मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा रुक के बोल लूँगा, या फिर ऐसा लगा कि मैं बज बज बोलने लगा, तो ऑडियंस क्या है इसमें से कट जाएंगी, जो आपकी वीडियो देख रहे हैं वो छोड़ करके चले जाएंगे। तो आपको वॉइस ओवर अच्छी तरीके से करना होगा, ठीक से याद कर लेना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, कैमरे के सामने आप अच्छे से बोलना सीखिए, तभी आप YouTube पर ग्रो कर पाएंगे। और दोस्तों जो गलती नंबर चौथा है वो मैं आपको बता दूं, वो है ऑडियंस रिटेंशन का। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि आपको अपने वॉइस ओवर पर फोकस करना होगा, वॉइस ओवर पर फोकस करने के साथ साथ आपको ये चीज़ केयर करना होगा कि मैं वीडियो में क्या चीज़ बताने वाला हूँ, क्या चीज़ बता रहा हूँ, जिससे कि आपके ऑडियंस जो है ये चीज़ देख करके टिके रह जाएं। जब आपके ऑडियंस ये चीज़ देख करके टिके रह जाएंगे, तो आपके वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, तभी आपका ऑडियंस रिटेंशन जो है अच्छा बना रहेगा। अदरवाइज आप ऑडियंस रिटेंशन अच्छा नहीं बन रहा है, आप कितना भी अच्छा वीडियो बना रहे हो, ऑडियंस रिटेंशन अच्छा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उसके ऑडियंस बढ़ा सकते हैं। इसका मैंने एक वीडियो बनाया, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑडियंस रिटेंशन करके। इस वीडियो को देखने के बाद आप जाइए वहाँ पर क्लिक कर दीजिए और आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, आप कैसे ऑडियंस रिटेंशन बढ़ा सकते हैं वो चीज़ आप देख सकते हैं। और दोस्तों जो पांचवी गलती है वो है सबसे मेन कंसिस्टेंसी का। जैसे कि आप जब वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप कभी क्या करेंगे, एक वीडियो अपलोड कर देंगे, दो वीडियो अपलोड कर, जब पहली बार कोई भी वीडियो अपलोड करता है तो वो ऐसा लगता है 10 दिन लगातार कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता है, तो सभी का वीडियो नहीं वायरल हो पाता है 10 दिन के अंदर में। ऐसा किसी किसी का हो जाता है जो कि 10 दिन के अंदर में या फिर पहला दूसरा वीडियो वायरल हो जाता है। तो दोस्तों आपको डेली की डेली वीडियो अपलोड करना होगा, कभी भी गैप नहीं मारना होगा। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, लाइक कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी चेक कर देना।